अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस इंसान को फजीलत दे दे, इंसान के बस में नहीं है कि वो उनकी फजीलतों को का इनकार कर दे, या इंसान के इनकार करने से उन फजीलतों को खत्म नहीं होना होता है। आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन बाज़ अंबिया ऐसे आएंगे जिनकी नबुवत का इकरार सिर्फ दो लोगों ने किया होगा, बाज़ ऐसे होंगे जिनके साथ सिर्फ एक उम्मती होगा, बाज़ नबी ऐसे आएंगे कि किसी ने उनकी दावत को तस्लीम नहीं किया होगा, लेकिन इसके बावजूद उनकी नबुवत पर ज़रा बराबर हर्फ नहीं आने वाला। जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबुवत की फजीलत से सरफराज कर दिया, सारी कायनात भी उनका इनकार कर दे तो उनकी नबुवत पर हर्फ नहीं आता है। ऐसे ही पूरी की पूरी ज़मीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है, लेकिन अल्लाह ने ज़मीन के बाज़ हिस्सों को बाज़ दूसरे हिस्सों पर फजीलत दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शाम के इलाके को ये फजीलत दी है कि अल्लाह ने उसको बरकत वाला इलाका करार दिया, फरमाया वह बारकना हौला, हमने शाम की ज़मीन में बरकत रख दी है। सारी मस्जिदें अल्लाह की मस्जिदें हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद नबी को, मस्जिद हराम को और मस्जिद अक्सा को जो फजीलत और बरतरी दी है वो दूसरी मस्जिदों को नहीं हासिल है। फिर हरमैन को जो फजीलत है, मस्जिद नबी और मस्जिद हरम मक्की को जो फजीलत हासिल है वो मस्जिद अक्सा को नहीं हासिल है। फिर हरम मक्की को जो फजीलत हासिल है, मस्जिद हराम को जो फजीलत हासिल है वो मस्जिद नबी को नहीं हासिल है। ये सारी फजीलतें अल्लाह रब्बुल आलमीन तय करता है। सारे इंसान मिल भी जाएं तो अल्लाह की तय की गई फजीलत ख़त्म नहीं कर सकते, ना अल्लाह की दी गई फजीलत किसी और को दे सकते हैं। जिस तरह अल्लाह इंसान का खालिक है, मकान का खालिक है, उसी तरह अल्लाह जमान का भी खालिक है। जमाना भी अल्लाह की मखलूक है, दिन और रात भी अल्लाह की मखलूक है, सुबह शाम भी अल्लाह की मखलूक है, महीने हफ्ते दिन ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए निज़ाम के तहत आते जाते हैं। अल्लाह ने जिस तरह बाज़ मकान को बाज़ दूसरे मकानों पर फजीलत दी है, उसी तरह बाज़ जमानों को बाज़ दूसरे जमानों पर फजीलत दी है। हम जानते हैं कि हफ्ते का सबसे अफजल दिन कौन सा दिन होता है? जुमा का दिन होता है। ये फजीलत किसने तय की है? क्या ये हमें अपने दिमागों से तय की है? क्या ये हमारी राय, अक्ल और कयास की बुनियाद पर तय हुई है? बिल्कुल नहीं तय हुई है। अगर हम राय, अक्ल और कयास की बुनियाद पर फजीलतें तय करते तो हम कहते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदो वुल्द आदम है, आदम की औलाद के सरदार हैं, लिहाजा उनकी पैदाइश पीर के दिन हुई थी तो पीर का दिन अफजल होना चाहिए। लेकिन फजीलतों का ताल्लुक अकीदे से होता है और अकीदे में कयास नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने कह दिया जुम्मा का दिन सारे हफ्ते में सबसे अफजल दिन है, तो हम तस्लीम करते हैं कि जुम्मा का दिन सारे हफ्ते में सबसे अफजल दिन है। सारे महीने अल्लाह के हैं, हर महीना अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ महीनों को बाज़ दूसरे महीनों पर फजीलत दी है। ये महीने अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह की किताब में उस वक्त से लिखे हुए जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अल्लाह ने सूरह तौबा में फरमाया इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाही इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाही यौमा खलक समावाती वल अर्द, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ महीनों की गिनती 12 है जब से अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया है। वो अल्लाह ने किताब में लिख करके रखा हुआ है। ये 12 महीने किसी इंसान की ईजाद नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से तयशुदा महीने हैं। मिन्हा अरबातुन हुरुम, और उनमें से 4 हुरमत वाले महीने हैं। वो कौन से 4 हुरमत वाले महीने हैं? आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? 4 हुरमत वाले महीने कौन से जिनको अल्लाह ने हराम करार दिया है? हाँ, अब इस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं, वरना मैं इनाम के लिए भी पेशकश करता। देखिए, मैं बहुत आसान सा फॉर्मूला बताता हूं। बाज़ उलमा ने इन 4 हुरमत वाले महीनों की हिकमत बयान की है। उस हिकमत को आप समझ लेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा कि 4 हुरमत वाले महीने कौन से हैं। हाफिज़ इब्ने कसीर वगैरह ने बयान किया है कि हुरमत वाले महीने, ज़िलहिज्जा का महीना हराम करार दिया गया है क्योंकि इसमें हज होता है। ज़िलहिज्जा का महीना इसलिए हराम करार दिया क्योंकि इसमें हज होता है, और हराम महीनों में इस बात पर पाबंदी थी कि जंग नहीं होना चाहिए। मक्का के लोग भी हराम महीनों में जंग नहीं करते थे, जंग की इब्तिदा नहीं करते थे। तो क्योंकि ज़िलहिज्जा के महीने में हज होता है, हज अमन व अमान से हो, इसलिए ज़िलहिज्जा के महीने को हराम करार दिया। ज़िलहिज्जा से पहले कौन सा महीना होता है? ज़िकादा का महीना। ज़िकादा का महीना हराम करार दिया गया क्योंकि इस महीने में हाजी अपने घरों से हज करने के लिए आते हैं, तो रास्ते में अमन व अमान हो, किसी तरह की जंग ना छिड़ी हुई हो, इसलिए ज़िकादा के महीने को हराम करार दिया गया। ज़िलहिज्जा के बाद कौन सा महीना होता है? कौन सा महीना होता है? मुहर्रम। मुहर्रम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मुहर्रम को तुम हराम बोलती, मुहर्रमुल हराम, मुहर्रम को हराम करार दिया क्योंकि ज़िलहिज्जा के बाद लोग हज करके अपने घरों को वापस लौटते हैं इस महीने में, तो रास्ते में अमन व अमान हो, जंग ना छिड़ी हुई हो, इसलिए
محرم کے مہینے کو حرام قرار دیا گیا. سلاثم متوالیہ، تین مہینے لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ بیچ میں حرام قرار دیا گیا تاکہ کسی کو اگر زیارت کے لیے آنا ہو، عمرہ کے لیے آنا ہو تو آ سکتا ہے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ. رجب میں عام طور پہ صحابہ اور سلف میں بھی عمرہ کرنے کا رواج پایا جاتا تھا، تو رجب کے مہینے کو بھی حرام قرار دیا گیا. یہ چار حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی حرام سمجھا جاتا تھا، مشرکین مکہ بھی حرام سمجھتے تھے، لیکن معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاں ایک طرح کی منسٹری تھی، نسی کی منسٹری، ایک طرح کا عہدہ اور منصب ہوا کرتا تھا نسی کا. جس آدمی کے ہاتھ میں نسی کا منصب ہوتا تھا اس کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ حرمت والے مہینوں کو تبدیل کر سکتا ہے. مثلاً کسی آدمی کو ذیقعدہ میں جنگ کرنا ہوا کسی قبیلے کو، تو وہ قریش کا ایک خاص آدمی غالباً ہوتا تھا جس کا نام قریش کا ہی آدمی ہوتا تھا، جس کے پاس نسی کا عہدہ ہوتا تھا، اس کی منسٹری ہوتی تھی، اس کے پاس جا کر کے مقدمہ دائر کرتا کہ ذیقعدہ کا مہینہ ہے لیکن جنگ کی نوبت آ گئی ہے، اور جنگ کے بغیر چارہ نہیں ہے لیکن مہینہ حرام ہے، جنگ نہیں کر سکتے تو کوئی حل نکالو. تو وہ آدمی کرتا تھا غور و فکر کرنے کے بعد کہ ٹھیک ہے، تم کو اس مہینے میں جنگ کرنا ہے، یہ ذیقعدہ کا مہینہ ہے، ہم اس ذیقعدہ کو سفر سے تبدیل کر دیتے ہیں. اس مرتبہ ذیقعدہ ذیقعدہ نہیں رہے گا، سفر ہو جائے گا. اب سفر کیونکہ حرام مہینہ نہیں ہے تو جنگ کرو، جنگ ہوتی تھی، سفر ختم ہوتا تھا پھر ذیقعدہ آتا تھا، پھر ذیلحجہ آتا تھا، پھر محرم آتا تھا، پھر ایک اور سفر آ جاتا تھا. اس طرح سال میں 13-13 مہینے ہو جاتے تھے، حج اپنے موقعوں کے علاوہ کسی اور موقعوں پر ہو رہا ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جب حج کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان زمانہ تبارک حیعتی ہی، کہ زمانہ لوٹ کر کے اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، اب اس سال حج اپنے صحیح موقع پر ہو رہا ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما نسی زیادۃ فی الکفر، کہ نسی کرنا یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے، نسی کرنا کفر ہے. اللہ نے جس مہینے کو حرام قرار دیا اس کو حلال سمجھ لینا، اور جس کو حلال قرار دیا اس کو حرام مان لینا، یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ اللہ کے دین میں کفر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فضیلتیں حرمتیں اللہ کی طرف سے طے ہوئی ہوتی ہیں، یہ ہمارے عقل قیاس اور رائے کی بنیاد پر نہیں طے ہوتی کہ ہم اپنے طور پہ یہ طے کر لیں کہ فلاں رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی تو وہ بھی فضیلت والی رات ہونی چاہیے، فلاں دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ دن بھی عید کا دن ہونا چاہیے. جو فضیلت جس حیثیت سے اللہ رب العالمین نے طے کر دی ہے، ہم کو اختیار نہیں ہے کہ ان فضیلتوں میں ان حرمتوں میں ہیر پھیر کریں.